नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज हम अपने न्यू होलैंड 5500 को टेस्ट करने के लिए लाए हैं थ्रेसिंग पे। 55 हॉर्स पावर का ये रोटरी पंप वाला इंजन कैसी चलाएगा थ्रेसर, और थ्रेसर हमारी वही है पुरानी वाली जिससे हम थ्रेसिंग करने वाले हैं। और इसमें काफ़ी सारे काम करवाए हैं, पहले सर्विस करवाई है और ऑयल लीकेजेस थे वो चेक करेंगे, हल्का सा बैक कंप्रेसर भी है इसमें तो उससे कितना फ़र्क आएगा और ये थ्रेसर को कितना बढ़िया चला पाएगा। हमने लोवो से चलाई, आइसर 485 से चलाई और भी कई सारे ट्रैक्टरों से अलग अलग चला के देखिए, लेकिन हमें अभी चेक करना है न्यू होलैंड 5500 और डीजल कितना लेगा ये वो भी देखना है। और इसमें अभी फ़िलहाल में तो डीज़ल कम है तो मंगवाया है डीज़ल, फिर अपन डीज़ल डालेंगे और चेक करके देखेंगे। तो बने रहो वीडियो में, फटाफट से चालू करते हैं थ्रेसर और देखते हैं क्या स्टेटस रहता है। राम जी की पाल बिछ गई है आपके लिए, लाओ और बिछवा दे रहे हैं। बस बाहर कर लो थोड़ी और। नहीं नहीं, आप तो बस काय बिठा लेंगे यहाँ पे। अच्छा, तिरपाल पे कहाँ बिठा रहे हैं बताओ, कहाँ बिठाना है? कैट ट्राली बैठा लेंगे। अच्छा हाँ, कहाँ है? आओ बस अभी बैठा रहा है। अपना ही है जो पुराने वाले हैं, जो हम ब्लेड लगी थी वो पहले अलग में, तो कैसे पता? रोटर वेटर लगो लगो था ना, धान काट भी को नहीं, जो नहीं है वो, जो नहीं है हाँ, जो वाला वर्क कराना है। आगे ले लो, आगे जो क्लच है की है यार। अरे भगवान, संतो भैया जा जा क्लच तो दबाओ। हाँ हाँ, अब चालू करो और जा धीरे छोड़ियो एक्सेलेटर के साथ साथ। जा क्लच नहीं, अब जा क्लच, न्यूट्रल तो करो। हाँ
तो भाई साहब एक बार फिर से अर्जुन नोवो को लगाना पड़ा। ये बंद हो गया यार, ये चालू नहीं हो रहा है। धक्का मार के इसको बड़ी मुश्किल से निकाल के आगे करा और अब जो है इससे ही चलाएंगे नोवो से। ये जाने क्यों चालू नहीं हो रहा, इसको ख़रीदा इसी के लिए। और भाई साहब क्या समस्या है तुमको यार, क्या समस्या है, बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? देख लो अब सिचुएशन ये है, वापस से अर्जुन नोवो को लगा रहे हैं और इसी बीच में जब ये चालू हो जाएगा तो चला के देखेंगे। लगा दो भैया शाफ्ट। बोरा की कमल भैया अब पहिया के नीचे टेकी में कुछ बहुत तो नहीं जाए। पोंगरी बटाटा तो भाई साहब मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, बैटरी हमने चार्ज करके लगाई थी लेकिन इसका अल्टरनेटर जो है काम नहीं कर रहा है, तो बैटरी जो है दोबारा से चार्ज नहीं कर रहा है। मतलब तो जितना करंट हमने दिया था चार्ज करने को वो इसने हमने चालू कर करके इसको ख़त्म कर दिया है और अब बैटरी बैठ गई है एकदम से। तो ये हो रही गड़बड़, तो इसीलिए चालू नहीं हो रहा। बाकी ट्रैक्टर में क्या कमी, कोई कसूर नहीं यार बेचारे का। ये हो गई चालू, ये देखो भाई इस सिचुएशन पे जाने क्यों मुझे हंसी आ रही है यार। ये अलग तरह खड़ा हुआ है और यहाँ पे हमको वापस इसी चलानी पड़ी। देखो फाइनली थ्रेशर जो है चालू हो गई है एक बार फिर से। पर वो जाते चल रही का मट्टी का बंद करते हैं, बंद करिए। पीछे करो पीछे 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 हड़ा ले बस मोड़ा तुम। आराम से आराम से, ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया। रुक 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 जाओ धीरे धीरे बचा लो भैया। वहां का रुक जाओ, वहां में तो डलवाया था ना, क्यों नहीं डल तुम बड़े ज्ञानी हो यार, सेल पे ही नहीं ले रहा वो तो। हो सकता है जब सेल पे जब लियोगे जब में डीजल होएगा सेल का करोगे वहां में सेल का ना ढाल के देख डीजल नहीं पता कॉमेडी नाइट से कपल फोटो खींचा ही नहीं रहा है। अरे लो 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 करेंगे तुम्हारे बाद। अरे बहुत ही लटल लो टिकट क्यों डाल दो, चलो करो चलो भाई चालू करते हैं। टन्नक रुक जाइए लगा पहले। भाई साहब आज का दिन बड़ा ख़राब है, उधर वो ट्रैक्टर ख़राब हुआ और यहाँ पे इसके नट ढीले हो गए थे,
ऐसे झूला के, तो झूला तेज तेज चलने लगा, तो इधर पे दाने फेंकाने लगे, तो उसको हमने अभी कम किया तो वो ज़्यादा कम हो गया। तो अब क्या हो गया कि पोची धान आ रही है, तो फिर से इसको खोल के और करना पड़ेगा। तो भाई साहब पहली 50 ही बड़ी मतलब बेकार रही। जरासी और रह गई है, फिर उसके बाद एक तो थ्रेसर भी सीधी नहीं रखी है और एक्सेलेटर मत होने की वजह से चलना भर गया, तो इधर कचरा आए, क्या क्या नहीं हुआ इस बार। अब अगली 50 ही में देखते हैं क्या होता है, सब कुछ गड़बड़। उधर वो ट्रैक्टर बंद हो गया, इधर किसान का दिमाग खराब हो गया, जवाब देने के लिए कोई सब बचा ही नहीं। ये खड़ा है हमारा न्यू ऑलैंड, बिछा रहे हो जहां लपटा ना जाए, ध्यान रखियो। बहुत जोर जोर दब दब जा रहा है, तो कितने जोर जोर से टकरा रहा है।